तो भाई साहब, आज हम आए मनोहर ढाबा पे और यहाँ पर मिलता है बहुत ही फेमस जापानी समोसा और छोले भटूरे और भी वैरायटीज हैं अंकल के पास में। मनोहर ढाबा। तो जापानी समोसा आपका बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है इस टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत फेमस आइटम है जापान के ना। ये ऑर्डिनरी समोसा है जो आप समोसा जहाँ हर जगह देखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। और जापानी समोसा दिखाइए अंकल हमें। हाँ, ये है हमारा जापानी समोसा। ये है जी, ये 60 लेयर वाला। हाँ जी, हाँ जी। इसमें 7 लेयर टेक्निक बनाने के आपके पास है और कहीं? हाँ जी, हाँ जी। ये सारा हाथ से बनता है, इसका कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ हाथ से बनाया जाता है। मशीन वाला कोई सिस्टम नहीं, नहीं। पूरा हाथ से बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अंकल, ये सब क्या रखा आपने? खाना के खाना भी होता अपने पास? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास राजमा चावल होते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए चावल है। हाँ। चावल के साथ ये दो सब्जी आती है। ये देखिए राजमा, कितना थिक राजमा है। देखिए हाँ जी, हाँ जी। साथ में ये पालक की ग्रेवी है, ये भी बड़ी फेमस है हमारी। पनीर अलग से डालते हैं अपने ऊपर से अलग से डालते हैं। पर ये है, ये दाल मखनी है। ये क्या एकदम थिक दाल मखनी है, कलर ही अलग बता रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये है, ये शाही पनीर है। ये देखिए दही बूंदी का रहता है, ये भी एकदम देखिए कितना थिक रहता है, बड़ा रहता है, ये भी बेहतरीन। ये अपने छोले हो गए अंकल, है ना? हाँ जी, ये छोले जो हैं इसके अंदर, इसके नीचे हम लोग आज भी कच्चा कोयला यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, ये वो कच्चा कोयला। आज तक कभी गैस वाले इंगीठी यूज़ नहीं करी। अच्छा जी, ये भी इसका मतलब इससे पकाई अच्छी हो जाती होगी ना। ये देखिए ना, इसके नीचे गैस का सिस्टम है काउंटर में, लेकिन आज तक इसमें कभी काउंटर गैस वाला यूज़ नहीं किया। कच्चा को 99 ईयर्स पहले जब कच्चा कोयला चलता था, आज भी वही टेक्निक रखी हुई है इसके अंदर। ये देखो जबरदस्त रंग, चेक करो एक बार। भटूरे भी होते हैं अंकल अपने पास में? हाँ जी, भटूरे भी होते हैं। और ये रसगुल्ले रखे हैं? हाँ, गुलाब जामुन। क्या भाई अपने जापानी समोसा, पहले अपने छोले आ रहे हैं। प्याज वगैरह है, ये थोड़ी सी प्याज आ गई। ये आ रहे ऊपर चटनी, ये चटनी आ गई अपनी। ये आ रहा जापानी समोसा, जापानी समोसा। ये देखो समोसा भी आ गए अपने। ये आ गया आपका लकड़ी का स्पून साथ। कितने की प्लेट हो जाती है अंकल? ये 50 रुपये प्लेट। तो देखिए दोस्तों, जापानी समोसा दिल्ली में हमें खाने का मौका मिल रहा है और हमारे सामने ये प्लेट लग चुकी है जिसकी टोटल कॉस्ट 50 रुपीज़ है। मात्र 50 रुपीज़ में आपको दो बड़े बड़े समोसे मिलेंगे। ये जापानी समोसे 60 लेयर वाले समोसे हैं भाई, देखिएगा। और ये देखिएगा, एक और दो पीस आते हैं उसके साथ। अंकल ने दिए हैं छोले और बेहतरीन मिंट की चटनी और आपको प्याज मिलेगी। आइए इसे टेस्ट करते हैं, जायका आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश रहेगी। पहले दिखाते हैं इसके अंदर है क्या। ये देखिए, इसकी लेयर खोलते हैं। देखिए ये आलू हैं, शायद आलू की स्टफिंग है। ये देखिए, अय हाय हाय, बेहतरीन। तो ऐसे तो खाई नहीं जाएगी, इसे थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। ऐसे करके हल्का सा ऐसे ले लेते हैं और इस पर रखेंगे थोड़े से छोले। एक बाइट बना लेंगे भरपूर सी अपनी, ज़बरदस्त सी। उसके आगे छोले ही हमारे बेहतरीन से। हल्की सी इस पर प्याज आ जाएगी जी, बेहतरीन सी। ये हमारी फुल बाइट और इसको हम ट्राई करते हैं और जायका आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रंची है भाई, क्रंचीनेस कितनी है। ये टेस्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त है। छोले अंकल के छोले भटूरे वाले जो छोले होते हैं, वही वाले छोले, लेकिन इसके साथ खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। चीज़ को आपको ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा भागीरथी पैलेस में, मनोहर ढाबा पे। ओल्ड डे ओपन है, कोई छुट्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।